नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले आपको बता देंगे आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना लाइव अपडेट सामने आया है। अप्रैल में संक्रमित केस 4 गुना तेजी से बढ़े हैं। रिकवरी रेट 7.21% नीचे आया है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बाद अब जयपुर में भी धार्मिक स्थल बंद करने की तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान में कोरोना बेकाबू हो गया है। इस महीने अप्रैल में संक्रमित केस 4 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में रिकवरी रेट इस माह 12 दिन के अंतराल में 7.21% तक नीचे आ गया है। बढ़ते एक्टिव केसों का नया रिकॉर्ड बन गया है। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बाड़मेर में कारोबारी की आत्महत्या केस मामले को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सुसाइड नोट में जिसका नाम, उसकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। 24 घंटे के बाद भी नहीं उठाया शव, पोस्टमार्टम करवाने से किया इनकार। बाड़मेर शहर के कारोबारी द्वारा आत्महत्या करने का मामला मंगलवार सुबह गर्मा गया है। कारोबारी के परिजन और समाज के लोगों ने सुसाइड नोट में लिखे माधो सिंह व अन्य की गिरफ्तारी की जो मांग है वो 24 घंटे लगातार उठाई है और इसके बाद भी शव जो उठाने से इनकार कर दिया है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस नवरात्र ऑनलाइन दर्शन, कोरोना की बंदी से अंबे माता, जैन माता, देशनोक, करणी माता, भद्रकाली मंदिर में बिना श्रद्धालुओं के हुई घट स्थापना। भक्तों के लिए मंदिरों के पटरे बंद। 37 शुक्ल प्रतिपदा पर मंगलवार को प्रदेश भर के माता के मंदिरों और घर घर में घट स्थापना हो गई है। राजधानी के शीला माता मंदिर समेत प्रदेश के तमाम प्रमुख माता के मंदिरों में पूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों के साथ शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना हुई है। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में कक्षा 6-7 के छात्र बिना परीक्षा पास होंगे। लगातार दूसरे साल इन छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। जिन जिलों में कोरोना ज्यादा है वहां प्रैक्टिकल एग्जाम भी स्थगित हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना ने एक बार फिर परीक्षाओं का गणित बिगाड़ दिया है। राज्य की गहलोत सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 6 और 7 के छात्रों को भी बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय ले लिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले 18 मार्च को कक्षा 1 से 5 तक जो सभी छात्र हैं उनको भी बिना परीक्षा पास करने का आदेश दे दिया गया था। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक अनोखी ठगी का मामला सामने आया है। लोन की पहली किस्त देकर गाड़ियां खरीदवाते, फिर किराए के बहाने लेकर बेच देते। 1.8 करोड़ रुपए में 26 वाहन बेचे हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों ने जेल में रहते हुए ये योजना बनाई है। जयपुर में पुलिस ने ट्रैक्टर धोखाधड़ी की एक अनोखा मामला खोला है। 2 बदमाश भारतमाला समेत प्रदेश में बड़े हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट में वाहन किराए पर लगाने और मोटे मुनाफे का लालच देकर किसानों से ट्रैक्टर और जेसीबी जैसे बड़े वाहनों की खरीद कराते और बाद में वाहनों को आगे सस्ते दाम में बेच देते। ऐसे करके उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए थे, लेकिन अब खुलासा हो चुका है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो दोस्तों, आपको बता दें कि 581 युवकों को राहत। गहलोत सरकार भारत बंद में हिंसा मामले में दर्ज 81 केस वापस लेगी। SC ST वर्ग के प्रतिनिधियों की थी मांग। SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 2 अप्रैल 2018 को हुए भारत बंद में प्रदेश में कई जगह हिंसा आगजनी हुई थी। मामले में तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार की ओर से दर्ज 322 केस में से 81 केस है वो गहलोत सरकार ने न्यायालय से वापस ले लिए हैं। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि कांग्रेस भाजपा की जुबानी बाड़ेबंदी चर्चाओं में। डोटासरा के नाथी का बाड़ा के बाद अब राठौड़ का खाला जी का बाड़ा। सियासी बाड़ाबंदी से ज्यादा इन दिनों राजस्थान की राजनीति में नेताओं की जुबानी बाड़ाबंदी चर्चाओं में है। नाथी का बाड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर दिन भर ट्रोल हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने साथ भाजपा के उपनेता प्रतिभा राठौड़ को भी लपेट में ले लिया है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो दोस्तों, आपको बता दें कि विद्युत निगमों का दोहरा रवैया। शुल्क बढ़ोतरी तत्काल लागू, लेकिन उपभोक्ताओं के मुआवजे वाली SOP को लागू करने में लापरवाही। कंपनियों ने अपने फायदे के लिए नियम तो लागू किए हैं पर जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। उपभोक्ता शिकायत करते हैं लेकिन सिस्टम प्रक्रिया दिन बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों डिस्कॉम अपने फायदे के रेगुलेशन व नियम तो तत्काल लागू कर देती हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को राहत देने वाले मापदंडों व नियमों को लागू करने में लापरवाही बरत रही हैं। बेहतर उपभोक्ता सेवाओं के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग यानी REIRC की नई SOP कार्य दक्षता के मापदंड विनियम की सरकारी बिजली वितरण कंपनियां पालना नहीं कर रही है। दोस्तों, अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि CM के अधिकारियों को निर्देश। बोले, जल जीवन मिशन की क्रियान्वित में तेजी लाए अधिकारी, ये मिशन प्रदेश भर के लिए वरदान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसीलिए इसकी आयोजना और क्रियान्वित में अधिक सतर्कता बरतें और गति लाने की जरूरत है। ये थी राजस्थान की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ
तब तक बने रहो आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।